सो गाइज अभी हमने खा चुके हैं खाना, ठीक है। और देखो मैं सिंपल और सादा और जेन्युइन रिव्यू दूंगा इस चीज़ का कि कैसा ये खाना था। तो देखो एक अच्छा वालेकुम गाइज, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आ चुके हैं अल यामीन पे। यहाँ मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ अब्दुल नाम। गाइज यहाँ पे अभी हम ऑर्डर करने वाले हैं, जो इनका बेस्ट होगा वो ऑर्डर करेंगे। एंड उसके बाद भाई यहाँ पे अगर तुम पुरानी दिल्ली के अंदर आ रहे हो ना तो मैप को भूल जाना, 4-8 किलोमीटर उसने मेरे को पूरा घुमाया है। और इस धोखेबाज बच्चे ने, ये जो लड़का है, ये आराम से बैठा था अपने घर के पीछे वाली गली में आया और आराम से आके बैठ गया यहाँ पे फिर से इसी में। और हमें हम को इसने हमें इतना टहलाया भाई। बाइक से आ रहे हो तो ठीक है, कार से आना इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल वाली चीज़ें हैं भाई। पुरानी दिल्ली वाले कैसे कर लेते हैं समझ में नहीं आता, बट जो भी है। तो गाइज़ ये अल यामीन का मेन्यू है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप स्टॉप करके देख सकते हो। सीटिंग का ये फ़ायदा है, पैरों में अगर दर्द हो और बहुत दूर से आ रहे हो तो इन्होंने ये इंतज़ाम कर रखा है, अपना पैर अंदर डालो और सीधा लेट जाओ। इसके अलावा और क्या सजेस्ट करेंगे, भेज दीजिएगा। इस प्लेटर में 9 आइटम है, ठीक है, और 5 रोटी के साथ सर्व होता है। इसका प्राइस है 600 रुपीज़, ठीक है। और इसके अलावा हम कुछ और सोच रहे हैं मंगाने की, बट अभी पहले ये फिनिश कर देते हैं कि वेस्ट ना जाए। ये तो अपने घर के बगल में है तो ये तो अपने घर पे दिखा जाएगा ना, क्या ही दिक्कत है। वो खाना कैसा लगा, सबसे अच्छा क्या पसंद आया आपको? बिरयानी नाम याद नहीं आ रहा ना। अच्छा भाई मेरे को तो ये अच्छा हुआ। सो गाइज अभी हमने खा चुके हैं खाना, ठीक है। और देखो मैं सिंपल और सादा और जेन्युइन रिव्यू दूंगा इस चीज़ का कि कैसा ये खाना था। तो देखो एक प्लेटर होता है, देखिए प्लेटर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अभी इस आइटम में ज़रा मेन्यू उठाना। हाँ तो जो ये प्लेटर था ये अल यामीन का स्पेशल कॉम्बो प्लेटर था विद बिरयानी के साथ। बिरयानी मैं सच बताऊँ तो बस मतलब अबव ओके या ओके ओके कह सकता हूँ मैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा खास नहीं थी। चिकन चंगेज़ी भी ओके था, बटर चिकन ओके, कढ़ाई चिकन एक साथ रखा हुआ था तो ये थोड़ा सा स्पाइसी वाला सेक्शन जो होता है ना कि हाँ मतलब उसको खाने का थोड़ा सा मन नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास मलाई चिकन था, तंदूरी चिकन तंदूरी था और भरा था, ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था मैं सच बताऊँ। उसके बाद मलाई तंदी जो था वो भी काफ़ी अच्छा था। एंड चिकन बिरयानी तो मैंने आपको बता दिया, 5 रुमाली मिली थी हमने। उसके बाद और रोटी मंगाई, कोक मंगाई, ठीक है। मैं आपको एक बार बताऊँ कि 600 रुपये में 2 लोगों के लिए आइटम जो है अच्छा है काफ़ी। 9 आइटम्स आ रहे हैं इसके अंदर, तो अब बात करते हैं कि वर्थ इट है या नहीं है। तो जिस तरह का आपको एम्बियंस मिल रहा है, जिस तरह का आपको खाना मिल रहा है और जिस तरह का आपको क्वालिटी ऑफ फूड मिल रहा है एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस मिल रही है, उसके रिव्यू मैं देख के आपको बताऊँ तो यह आना वर्थ इट है। बट वही है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ट्रैफिक को देख के आना पड़ेगा। एक बार चेक कर लेना अपने गूगल मैप पे कि ट्रैफिक कितना है क्या है। सो चलो बस अब यहीं ख़त्म करते हैं इस व्लॉग को, ख़त्म करते हैं इस व्लॉग को। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड बाय बाय, सलाम अलैकुम। तो मेरा दोस्त ये कह रहा था कि मैं एक और खाऊंगा ये, ठीक है, इससे इतना भी नहीं खाएगा ये। देखो तीनों तीनों डिश बचा दी है, थोड़ा हैवी है। तो आपको कैसा लगता है यहाँ पर काम करना? लेकिन यार एक बात बताऊँ तो आपका स्टाफ काफ़ी अच्छा है वैसे, आप लोगों ने मतलब काफ़ी मेहनत करी है, दिख रहा है वो चीज़। शुक्रिया फॉर सर्विंग अस।
आप लोगों की वजह से ही हम लोग आराम से चैन से खा पाते हैं। और ये लोग नल्ले लोग, इनको देख लो, यहाँ ये ख़त्म भी नहीं कर पाए। क्या यार क्या करोगे भाई, पीछे घर है, ले जाना चुपचाप से इसको, ठीक है, पैक करवा के। ऐसे सब्सक्राइब होता है चैनल, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये दिखा रहे हैं क्योंकि फूड चैनल भी है और ट्रैवल चैनल भी है, तो लोग जब यहाँ पर आए और पता चले तो इतना तो बिल बैठेगा यहाँ दो लोगों का, तो टोटल हमारा ये बैठा है। सो कभी सोचो भाई बिल दिखा रहे हो साथ।